आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों में से 9 पर उपचुनाव की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी निषाद पार्टी कम से कम एक सीट पाने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रही है। वहीं सूत्रों का कहना है कि बीजेपी उन 9 सीटों में से 8 पर चुनाव लड़ेगी जिन पर चुनाव हो रहे हैं, और केवल मीरापुर सीट अपने सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी के लिए छोड़ने वाली है। वहीं सूत्रों के हिसाब से देखें तो निषाद पार्टी बीजेपी से 2 विधानसभा सीट कटहरी और मझवा मांग रही है। हालांकि बीजेपी की ओर से उसे सकारात्मक जवाब नहीं मिला। निषाद पार्टी को उम्मीद है कि बीजेपी का गठबंधन धर्म का पालन करेगी और उसे कम से कम एक सीट जरूर देगी। वहीं उत्तर प्रदेश की जिन विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं उनमें कटहरी, करहर, मीरापुर, कुंदरकी, फूलपुर, सीसामऊ, गाजियाबाद, मझवा और खैर भी शामिल है। इनमें से मझवा सीट निषाद पार्टी के पास थी और उसे साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हुई थी। निषाद पार्टी के विनोद बिंद 1 लाख से ज्यादा वोट पाकर समाजवादी पार्टी के रोहित शुक्ला को उन्होंने हराया था। वहीं वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बिंद भदोही संसदीय क्षेत्र से जीतकर बीजेपी के टिकट पर सांसद बन गए। अब निषाद पार्टी इस सीट पर चुनाव लड़ने पर अड़ी हुई है। वहीं राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा है कि मुझे यकीन है कि बीजेपी गठबंधन धर्म का पालन करेगी और हमें गठबंधन में उचित सम्मान मिलेगा। यह पूछे जाने पर कि क्या इस संबंध में बीजेपी नेतृत्व के साथ उनकी कोई सकारात्मक बातचीत हुई है तो निषाद ने कहा कि मुझे लगता है कि हम जो चाहते हैं हमें मिलेगा। निषाद ने कहा कि आज मैं हरियाणा में गुरुवार को होने वाले नायब सिंह सैनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए आया हूँ। मैं इस मामले में बीजेपी के नेतृत्व के समक्ष ये बात उठाऊंगा। वहीं बुधवार को दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। या पूछे जाने पर कि क्या वह बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे तो निषाद ने कहा कि वह बैठक होने के बाद इसका खुलासा करेंगे। वहीं निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को अयोध्या जिले में की मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर इस सीट पर 10 खाली विधानसभा सीटों में से 9 पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को होगी। ऐसे में 8 विधानसभा सीट 2022 पर चुने गए विधायकों के लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद ये खाली हो गई थी। सीसामऊ सीट के लिए उपचुनाव, इसके लिए विधायक इरफान सोलंकी को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त किए जाने के कारण ये पूरा चुनाव हो रहा है। वहीं आपको बताएं वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें सीसामऊ, कटहरी, करहल और मिल्कीपुर और कुंदर की सपा ने जीती थी। बीजेपी ने फूलपुर, गाजियाबाद, खैर की सीटों पर कब्जा किया। वहीं मझवा सीट पर बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने जीत दर्ज की थी। मीरापुर सीट पर राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी ने जीत दर्ज की थी। वहीं अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो संजय निषाद 2 सीटों की मांग पहले से करते हुए नजर आए और आरएलडी भी 2 से 3 सीटों की मांग कर रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बीते लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हार का सामना करते हुए नजर आई तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पास रखना चाहती है और यही कारण है कि अवंदर खाने में पूरी तरीके से घमासान मचा हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इसके क्या नतीजे निकल कर आते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने वादों को लेकर पीछे हटती हुई नजर आती है या फिर संजय निषाद कुछ बड़ा खेला करते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं आरएलडी भी एक सीट मिलने से काफी नाराज नजर आ रही है, लेकिन फिर भी आरएलडी को एक सीट की तवज्जो मिलते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन संजय निषाद के जो हाथ हैं वो पूरी तरीके से खाली है। अब देखना ये होगा कि क्या विपक्षी पार्टियां इसका फायदा उठाती हुई नजर आती हैं, क्या संजय निषाद को किसी भी तरीके का ऑफर मिलता हुआ नजर आता है। कहीं ना कहीं देखना ये दिलचस्प होगा और भारतीय जनता पार्टी संजय निषाद को किस तरीके से मनाएगी ये भी कहीं ना कहीं अहम सवाल है। फिलहाल इस मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।